not number two, subject. Amabado, Charles of India, in the shades of the kings of God. मुबारक महीना है और यहाँ के कैलेंडर के मुताबिक आज की रात 15 शाबान मुबारक के मुताबिक पूरे साल में लैलतुल कद्र के बाद जिस रात की ज्यादा फजीलत हदीस में आई है या बयान की जाती है वो आज की रात है। पूरे साल में 5 रातें ऐसी हैं कि जिनके बारे में उलमा मुहद्दिसीन औलिया सूफिया ने इशारा फरमाया कि आदमी को इन 5 रातों को जिंदा रखना चाहिए, जागते रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए। उनमें एक आज की रात है, एक लैलतुल कद्र है, दोनों की दैन की रातें हैं और लैला अरफा है, यानी आज की रात बड़ी की रात, छोटी की रात, लैलतुल कद्र और आज की रात। वैसे तो रात मुसलमान के लिए बड़ी बरकत वाली है अगर और आपकी इबादत ही गुजर जाए तो। लेकिन रब करीम ने जैसा पिछले दिनों मैंने अर्ज किया जो मुझे मोहम्मद सलाम की बख्शिश के बहाने बनाए हुए हैं, तो ये चीज़ें रब करीम ने, ये रातें रब करीम ने महमूद करीम के सदके हमें आता फरमाई। रसूल साहब की रात से जो फ़ज़ाइल बरकात और जो आज की रात के आमाल अहादीस में आए थे, हज़रत सीना अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन
मैंने इस रात को तीन हिस्सों में तकसीम किया है। तीन अमल मैं इस रात में करता हूँ। सबसे पहला अमल जो है वो है कि इस रात के तीसरे हिस्से में मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढूं। और वैसे भी बाद रवायतों के मुताबिक ये जो आयत करीमा है इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लून अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ये रात आज की रात, ये आयत आज की रात, ये 15 शाबान की रात को इसका नज़ूल हुआ। लिहाजा जैसे कुरान करीम के बारे में आया कि ये लैलतुल कदर को नाज़िल हुआ, तो ये आयते करीमा आज की रात को नाज़िल हुई। जैसे लैलतुल कदर में कुरान करीम का पढ़ना ज्यादा मज़ा देता है, ज्यादा स्वाद देता है, ऐसे ही दुरूद व सलाम को मोमिन हम वक्त पढ़ता, और मोमिन होता ही वो है जो दुरूद व सलाम करता रहता है। इसलिए अपनी जिंदगी का वसीला बना ले। कितने मुश्किलात में हैं लोग, और बिलखसूस उम्मत मुहम्मदिया इस वक्त पूरी दुनिया में देखें, इंफरादी तौर पर देखें तो हर शख्स परेशान, हर घर के मसाइल, हर घर वालों से पूछें तो इतने मसाइल हैं कि कुछ अर्सा बनेंगे, बड़ा मजार बड़े अच्छे असूदा नजर आते हैं, लेकिन अंदर देखें तो अशर हो गया है, माश हो चुका है। इज्तमाही तौर पे देखें तो उम्मते मुहम्मदिया अला सलाम इतनी परेशान है कि शायद तारीख के किसी दौर में इतनी परेशान हुई हो, कितनी आज परेशान है। इज्तमाही तौर पे भी और इनफरादी तौर पे भी हर शख्स, और हर शख्स भागता है हर तरफ कि मेरी मुश्किल हल हो गई, मेरे घर में बीमारी है, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मेरे घर में कोई इत्तेफाक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, जिधर हाथ बढ़ाता हूं वापस खाली आता है, क्या करूं, सोने को पकड़ता हूं तो मटी हो जाती है। हर शख्स आप पूछे थे, हर शख्स के पास आप बैठ के देखे तो नई कहानी, नई दास्तान। और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दुरूद व सलाम को अपना वतीरा और वजीफा बना लिया, रात में उसके सारे घर मोहल्ला कितना आसान था, लंबी आयतें नहीं याद होती, लंबी हदीसें दुआएं नहीं याद होती, एक कम अज कम दुरूद व सलाम को कोई ऐसा मोमेंट नहीं है बच्चे से लेकर बड़ा तक जिसको ना आता। सिर्फ पता नहीं क्यों हम लोग ये अमल नहीं कर पा रहे। कायनात में जो कुछ मिला ये मेरे मुस्तफा के सबसे में कुछ ना मिलता कायनात में किसी के, अगर नबी शरीफ मुस्तफा को रहमत बना के ना भेजता, करम नवाजी ना करता, कायनात को कुछ ना मिलता, तो जिस मुस्तफा के सदके हम सांस ले रहे हैं, जिस मुस्तफा के सदके हम इज्जतें हासिल कर रहे हैं, और ये जिंदगियां, ये नेमतें, ये औलाद, ये माल, ये सब कुछ जिस मुस्तफा के सदके हासिल कर रहे हैं, क्या उनको याद रखना भी बोझ वाला काम, और फिर भला भी अपना, या तो ये हो कि भाई कुरान को देते जाओ, तुम दुरूद व सलाम पढ़ते जाओ, बस आका के शाने बुलंद होती जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या करें, दुरूद व सलाम पढ़े, खुद भी तो कुछ करना है। और मैं दुरूद व सलाम तुम पढ़ते जाओ, तुम्हारे सारे काम रब खुद करता है। सुभान अल्लाह, आसान सा वजीफा है। और अक्सर बेशतर मैं दोस्तों को कहता हूँ कि किसको अपना हिज्जे जाना है, कब्र में, अशर में, हर जगह। मेरे आका ने इरशाद है, रात को मैंने एक अजीब बात देखी, एक शख्स
ज्ञानम के दिन बड़ा बोझ उठा के चल रहा है और चला नहीं जा रहा। जब बोसरा से गुजरने लगता है तो गिरने लगता है। उस वक्त मैंने देखा खूब सूर्य शख्स आता है और उसका बाजू पकड़ के उसको जन्नत में पहुंचा देता है। वो कौन है? फरमाया वो गुजबे दरूद सलाम जो देता है। ये कब्र में काम आएगा, हशर में काम आएगा, बोसरा में काम आएगा। और जब प्यास से ज़बानें खुश्क हो रही होंगी, सूर के दाता हो चुकी होंगी, मेरे आका ने फरमाया जितना तो ज्यादा वज़ीफ़ा पड़ता है उतना पहले पढ़ो। एक तो वैसे ही हमें पढ़ना है और एक विराज की हाथ, चूंकि इसका नज़ूल है इस आयत करीमा का, लिहाजा आज की रात ज्यादा से ज्यादा दुरूद व सलाम पढ़ना। दूसरा ने इशारा, दूसरा जो मैं काम करता हूँ वो करता हूँ कि मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं 70 से ज्यादा बार हर रोज इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अब ये 70 का लफ्ज़ जो है ना अरबी में, ये आमतौर पर कसरत के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे तादाद मुराद क्या होती है? आमतौर पर कसर से मुराद हो, कसर मुराद हो कि बहुत ज्यादा बार करता हूं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी रूह नहीं है, हम गुनाहगार हैं, उनके सबके कहदार के बख्शे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस्तिग़फ़ार करते हैं। इसलिए कि हमें बताएं। और इस्तिग़फ़ार का एक तो ये माना है कि रब्बे करीम की तरफ से गुनाहों के बख्शे गुनाह बख्शे जाते रहते हैं, और दूसरा इस्तिग़फ़ार का माना यह है कि बंदे का दिल नरम हो जाता है और बंदे का ताल्लुक रब्बे करीम से कायम रहता है। ये फायदा बेशुमार फायदे, लेकिन एक फायदा यह है कि बंदे को मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत हो जाती है और मुस्तफ़ा करीम से क्या करता है। अब ये दो चीजें अगर मिल जाए, दुरूद साहब और इस्तिग़फ़ार, आदमी का दिल नरम हो जाए, रब्बे करीम से राबता हो जाए, दूसरा मुस्तफा करीम से मोहब्बत हो जाए और मुस्तफा करीम से राबता हो जाए, और दुरूद व सलाम को हजरत इमाम अबू अब्दुल्लाह कुर्सी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमा करते थे, मैंने इतना दुरूद पढ़ा, इतना दुरूद पढ़ा कि मेरे आका ने इतना करम किया कि अब अगर एक लम्हे के लिए मुस्तफा मेरी नजरों से ओझल हो जाए तो मैं सच्ची बात सुनाने आ जाऊंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने करीम हैं, इतने मेहरबान हैं कि जितना तो ज्यादा हम एक बार करते हैं मुस्तफा करीम कितनी बार हमारे लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। ये दो अमल वैसे तो पूरी जिंदगी इन पे मुदावत होनी चाहिए। दुरूद व सलाम इस्तग़फ़ार ये हर रोज का मामूल होना चाहिए। और तीसरा इरशाद फरमाया कि मैं किराते कुरान और नफल पढ़ता हूं, यानी यार की रात को इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तीन चीजों में मैंने तकसीम किया। और एक सुन्नत जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, आज की रात की जो कब्रिस्तान की ज़ियारत है, तो सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मेरी बारी थी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, कपड़े तब्दील किए और आप फरमाने लगे, फिर पूछे कपड़े पहने और बाहर निकल गए। तो मैंने दिल में ख्याल आया कि शायद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आराम करता हुआ दे के सोचता हुआ समझ के किसी और रोजा मुकरमा के घर में तशरीफ ले जा रहे हैं, जबकि मैं भी पीछे पीछे कर दूँ। मैंने देखा कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत उल वकील में खड़े हैं, दोनों हाथ उठे हुए हैं और रब्बे करीम से अपने उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगते हैं। ये आज की रात की एक सुन्नत है। कहती मैं वापस दौड़ी, जल्दी जल्दी आई, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ लाई। मैंने दिल में ख्याल किया कि आयशा तुझे तुम पर अफसोस हो,
कि तो दुनिया के बारे में सोच रही है और मेरे मुस्तफ़ा अपनी उम्मत और रब के बारे में सोच रहा है। तो दूसरी तीसरी में उसमें है कि आका ने इतना लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया कि मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद आका की रूह परवाज़ है, मेरे आका कदमों को हाथ लगाया है। देखा जब मेरे आका ने सलाम किया तो पूछा आयशा क्या हुआ, क्या तू खौफ कर रही थी कि अल्लाह रब ना कर सो तेरे साथ ज्यादती करेगा, यानी हक है ना बीवी का। ये भी देखे आका करीम ने कैसी सुनते मुकर्रर कर दी, अल्लाह बीवी का हक है तो नवर करने हैं तो अपनी बीवी से पूछ रहे हैं, सौदा मोहतरमा से पूछ रहे आयशा तो मुझे इजाजत देती हूँ तुम्हें नफर कर सकती हूँ, अल्लाह आज की रात 15 शाबान की रात है और इसलिए मैं अपने रब की इबादत करना चाहता हूँ, अपनी उम्मत की बख्शिश मांगना चाहता हूँ। क्या कहीं मैं अब ये है कि चूंकि आज की रात हमें जागना है इंशाअल्लाह, हमें रब की इबादत करनी है इंशाअल्लाह, लेकिन चंद चीजें हैं जो हमारी इबादत कबूल नहीं होने देती। हम जानते हैं हम रोजे रखते हैं हम इबादत करते हैं, लैलतुल कदर भी आती है चली जाती है, शबे बरात भी आती है चली जाती है, लैला अरफा भी आती है चली जाती है, और ईदैन की रातें भी आती हैं। चलो कुछ तो वो लोग हैं जो जागते नहीं जिनको पता ही नहीं, कुछ वो हैं जो जागने की कोशिश करते हैं जागते हैं लेकिन जागने का कोई फायदा नहीं। दो चीजें हैं बिलखसूस जो आज की रात के बारे में, एक तो ये कि अक्सर आदमी जो आज की रात के बारे में लफ्ज आए वो ये है कि रब करीम आसमान दुनिया पे आके पुकारता है कि कोई मुझसे बख्श मांगने वाला है ना बख्श मुझको, कोई मुझसे औलाद मांगने वाला है ना औलाद दे दे, कोई मुझसे रिजल्ट मांगने वाला है ना उसका रिजल्ट दो, आज जो मांगोगे मांगने वाले को अदा कर दिया। इसीलिए तो लैलतुल बरात कहते हैं बड़ी होने की रात, जिलाखाने शाना बनी कलम की बकरियों के बालों जितने आदमियों को रब ने करी में शराब में बख्श देता बड़ी कर देता, इसको लैलतुल बरात भी कहते हैं कि रब ने करी की रहमत बरस दिया। लैलतुल सिक्र भी कहते हैं, लैलतुल सिक्र असल में सीधा होता है उस वक्त जो वक्त का हाकिम होता था वो एक सीखा एक कागज एक आदमी को देता था कि जो जिम्मी है जो मुसलमानों के मुल्क में रहते हैं गैर मुसलमान जिम्मी होते थे वो कुछ जिजिया देते टैक्स देते, जब वो टैक्स देते तो उनको देख के दे देता कि इन्होंने टैक्स दे दिया, आज के बाद इनसे कोई नहीं पूछेगा। इसलिए फरमाया कि आज की रात जो आदमी इबादत करता है रब्बे करीम की तरफ से उसको एक सीका लेके दे दिया जाता है कि आज इसके गुनाह माफ कर दिया, इसको कोई नहीं पूछेगा। तो बड़ी हो जाती है बाजबंदी ऊपर ही हो जाता है। इसमें जो लफ्ज आए ना कि रब्बे करीम नाजर होता है, अब ये बड़े लफ्ज जो है इनपे गौर फिक्र करनी है। रब्बे करीम आसमाने दुनिया पे आने जाने से पाक, उतरने चढ़ने से, अब ये है मुतशाबिहात की चीज। कुछ लोग इनके जाहिर पे गए और जाहिर का तर्जमा यही कर दिया जैसे एक आदमी नीचे उतरता है से माजला रब भी नीचे उतरता है फिर ऊपर जाता है। आजकल के बहुत सारे लोग जो हैं ये जो अपने आप को सलफी कहलाते हैं गैर मुकल्लम कहलाते हैं वहाबी कहलाते हैं, उनका अकीदा यही है कि रब कभी आसमान दुनिया पे आता है और कभी ऊपर के आसमान पे जाता है। हमारी आवाम में बहुत सारी ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो गुमराही में जरूर है बाहर के गंदी को भर भी है लेकिन हमें पता नहीं होता। हम आम तौर पर बातें करते करते कहते हैं ऊपर वाला जाने, इशारा भी करते हैं और कहते भी। याद रखिए ये मसला बड़ा अहम है, ऊपर वाला जाने की हमें क्या, वो भी तो ऊपर बैठा देख रहे हैं,
अब ये बैठना उठना ऊपर नीचे होना ये रब्बे करीम की सिफात में से नहीं है। ये हिंदुओं से आया ऊपर वाला जाने रापी तो ऊपर बैठा देख रहे ना माजम दास्ता फुल्ला राब बैठने से उठने से पार राब ऊपर नीचे से पार राब बुलंद है राब ताला अल्लाह अकबर वो बुलंद है। अगर पहली अगर यानी उतरता है इसमें तो है ना पंद्रह शबाब दो मुसलमान सीख के एक रात में हर रोज रब पहले आसमान पे आता है फिर आखिरी रात में पहले आसमान पे आता है आखिरी रात में आता है तो यहाँ अभी दिन है कहीं आखिरी रात है। पूरे 24 घंटे पूरी दुनिया में कोई ना कोई टाइम होता है पूरी दुनिया में आखिरी रात कहीं ना कहीं है कहीं दिन है कहीं पहली रात है कहीं सुबह है कहीं फजर है लेकिन कहीं ना कहीं तो किस रोज उतरता है किस रोज चढ़ता है। ये चीजें रब की बात जानी जायज नहीं है ये देख में रखे हम इशारा भी करते इशारा भी ऊपर रब के लिए करना बना और रब को ये कहना कि वो ऊपर है वो ऊपर बैठा है वो बैठा देख रहा है इन चीजों से मना किया गया ये अक्सरियत के नजदीक तो गुमराही है लेकिन बाद बाद इसको कुफर तक में कहा ये चीजें बिल्कुल गाने वाले ये शायर लोग ये बड़ी इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए ऐसा गाना ऐसा शेर जिसके बार जिसमें रब्बे करीम के बारे में ऐसे लफ्ज बोले जाए लिखने वाला तो दारा साहब से खारिज होगा पढ़ने वाला गाने वाला तो होगा सुनने वाला भी और अगर उसको पता है ये रब के बारे में ये कह रहा है ये ऊपर बैठा क्या जाते हैं एक तो रब के इलम की नफी एक रब के ऊपर होने का आसमान ये जहर तरफ ये रब करीम के बारे में बहाल है बजाहर ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन याद रखिए ये ईमान का बुनियाद है ये और अगर आदमी को कुफर बोल देता है कुफर पड़ता है खुद तो दर इस्लाम से गया निकाह भी टूट जाता है क्योंकि बीवी तो मोमिना है आदमी ने कुफर बोला निकाह गया अब सारी उम्र क्या करेगा गुनाह करता रहेगा। इसलिए जो बाग उलमा ने कहा ना कि बाग का तजदीदे निकाह करती रहना चाहिए तो इसलिए कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। एक हमारी आदत है हर जिस चीज का नहीं पता अल्लाह ने फरमाया इतना हमने मुझे हदीस है पता नहीं है तो जब तुम्हें पता नहीं हदीस है या नहीं है कुरान है या नहीं तो क्यों मंसूख कर रहे हो अल्लाह के रसूल की तरफ। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पे झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम बना तो मैं पता नहीं होता हम हाथी मुझे देशी में है कहा है मुझे पता नहीं है कि नहीं है। उलमा ने बड़ी सच फरमाया जो हदीस सही था उसके बारे में भी रोविया आदि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हुजूर का तरीका इस्तेमाल करते हैं कहीं ऐसी चीज का आसमान आकर की तरफ ना हो जाए जो साबित नहीं है। जाहिर छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनमें ख्याल रखा करो अपनी तरह से हुक्म लगा देना हदीस में है जी कुरान में अल्लाह ने फरमाया है जी तो हाँ कुरान में कोई पता नहीं जब तक पूरा यकीन ना हो उस वक्त तक आप मेरे बारे में बात करें किसी और के बारे में बात करें फलाने की है जब उसके नहीं की होगी तो क्या होगा चुगली है बोतान है। जब आम आदमी के बारे में गुनाहगार आदमी के बारे में बोटाया मैं गुनाह कबीरा है तो रब के बारे में रब के रसूल के बारे में जो उन्होंने बात नहीं की उनके बारे में कहना उलमा ने बयान किया जो ऐसी आदीस हैं या आयतें हैं कि जिनमें बजाहर अल्फाज वो हैं जो रब की शर्म के लायक है नहीं है तो उनको उनके हाल को छोड़ दो इसको कहते हैं तफवीज रब के बारगाह की तरफ इसको तफवीज करते नाम जाने और रब का सर जाना
लेकिन चूंकि हम अरबी नहीं है, हमने उन लफ्जों का तर्जमा करना होता है समझाने के लिए, और जब तर्जमा करेंगे वो निशाब हाथ में से तो मसला बन जाएगा। रब ने अपने लिए याद का लफ्ज इस्तेमाल किया है, इसका तर्जमा मैं याद याद क्या करूं आपको पता नहीं चलेगा, और जब मैं तर्जमा हाथ करूंगा तो हाथ जब तर्जमा करूंगा तो वो जेल में ये हाथ आ जाएगा। इसलिए जो मुताखिरीन है, उलमाए अखलाक है, बाद में आने वाले खलफ जो है, उन्होंने इसकी तावील की, पहले तावील के कायल नहीं थे, तफवीज के कायल थे, तंजीह के कायल थे। बाद वालों ने जब इस्लाम फैला मुख्तलिफ दुनिया में गया तब उन लोगों के लिए मसला बना के रब ने अपने लिए वज का लफ्ज इस्तेमाल किया, रब ने अपने लिए जद का लफ्ज इस्तेमाल किया, रब ने अपनी जात के लिए रिजत का लफ्ज इस्तेमाल किया, रब ने अपनी जात के लिए खुश होने का हंसने का लफ्ज इस्तेमाल किया, रब ने अपनी तरफ इस्तेहजा का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये सारे कुरान में मौजूद है, मकर का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब जब हम तर्जमा करेंगे तो तर्जमा करते हुए आदमी का जेन जो है जो उसने चीज देखी उस तरफ फायल हो जाएगा, उस तरफ जाएगा। याद का तर्जमा आप करेंगे तो हाथ की तरफ जाएगा, अगर तर्जमा हम मजाक का करेंगे यानी इस्तेहजा का करेंगे छठा का, हम जो चीजों से पाया करेंगे आपने अपने लिए इस्तेमाल किया, दहक का लहर आपने अपने लिए इस्तेमाल किया, और दहक का माना हंसना है। जब हम हंसना तर्जमा करेंगे तो जो आदमी हंसता की तरफ जाएगी, जब तर्जमा करेंगे तो उससे मुराद उसकी कुदरत हो, जैसा ऋषि ने रब आएगा क्या मतलब बादलों के साए में, अब क्या मतलब रब बादलों के साए में आएगा, तो उसका मतलब ये है कि रब की रहमत रहमत के बादल बन के आए। तो इसमें रब ने कहा कि आपकी रात जो नजूल है उससे मुराद क्या है, कि रब की रहमत पहले आसमान पे आके सारी रात इबादत गुजारों को पुकार रही थी, या इसका माना अकबला कर दिया गया कि रब इस रात में हर दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता है। इसलिए रब्बे करीम के बारे में इन अल्फाज में बहुत ज्यादा एहतियात। एक मसला जो हम में आम में चलता है, हवा में चलता है, पीरों में चलता है, बाग में चलता है, रब हर जगह हजर नाजर के, और आजकल कहीं तो ऐसे वो नाम ने हाथ पर बस तारे पैदा हो गए, कहते हैं नबी हजर नाजर नहीं, जगह हर जगह हो सकता है, रब हर जगह हजर नाजर, रब जगहों से आ, रब जगहों से हाँ, रब हजर नाजर कह सकते हैं, अगर के ये कुरान और हदीस में लफ्ज रब के लिए मरबी नहीं है, कुरान और हदीस में बज़ाहिर ये लफ्ज मरवी नहीं, लेकिन उलमा ने कहा कि हाल नाज़र कह सकते हैं, फिर तावील जायज है, लेकिन लफ्ज जगह इस्तेमाल करना कि हर जगह हाल नाज़र, इसमें उलमा का इख्तलाफ है, ये गुमराही है या कुफ्र, जायज नाजायज का इख्तलाफ नहीं है। बाद उलमा ने इसमें जगह का इस्तेमाल कुफ्र बताया, और खताबे आलमगीरी वालों ने लिखा कि कुफर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अवाम इसमें मुस्तला हो गए, तुम्हारी बहरहाल है क्योंकि राव जरूर से बाहर क्या है, और आलमगीरी भी दी गई, अगर तुम कहो कि रब हर जगह असर ना कर, तो क्या मरियम के पेट में रब था, इसीलिए ईसाई से समझे कि ईसा पैदा हो रब का बेटे, और क्या किसी को थप्पड़ मारे तो जहां थप्पड़ मार रहा है वो जगह है या नहीं है, उसका चेहरा है या उसका जिस्म है या कुछ भी, तो जगह के रब वहां मौजूद था। तो ये ऐसे गरीब मसाइल है, बोल तो हम देते हैं लेकिन हमें उनकी हकीकत का भी पता होता, इसलिए इन चीजों से परहेज करना चाहिए। रब आलो नाजर सुनियो बसीर, सब तो है कि रब सुनियो बसीर है, लेकिन अगर हजुना ने भी कहो तो तभी जायज होगा, लेकिन जगह का इस्तेमाल जायज। आजकल कुछ लोगों का ये अकीदा है कि रब अर्श के ऊपर, समस्त अर्श कुरान करीम में आया, और इस्तवा का माना उन्होंने किया बैठना,
गैरज में राम की कुर्सी है और राम कुर्सी पे बैठता है माजमदास। और आदि से किसी ने पूछा कि राम कहाँ है, माया राम वहां है जहां पहले था। उसने स्वागत राम ने कहा तो हमारे राम जब रक्ष नहीं था तो कमल काम रब ऐसे आप भी ऐसे हैं जैसा आर्श पड़ने से पहले था। जब हम जमीन पर जब जमीन में जब थे ही नहीं, पहले जमीन आई बाद में हम आए, तो इसका मतलब ये है पहले अर्श होना चाहिए बाद में हम होना चाहिए, तो उसके लिए बैठने की जगह तो हो जहां बैठे, तो रब बैठने से बाद समस्त अर्श। ये अस्तवा जो है ये लफ्जी माना इसका नहीं है कि बैठा जाए, बल्कि रब्बे करीम ने हमारा सुन मस्तवा अर्श से रब जमीनों को बनाने के बाद अर्श की तरफ मुतवज्जे हुआ। अर्श हुआ अलमाए अदीशी में है, रब का अर्श पानी पर है, तो इसका मतलब रब ने अर्श बनाया, पहले पानी बनाया फिर अर्श बनाया फिर ऊपर बैठा माजल्लास का गुरु। तो अर्श मखलूक तो है, इसमें किसी को इनकार नहीं है, मखलूक है अर्श, और इतनी बड़ी मखलूक है जैसा मेराज के वाक्यात में मैंने अर्ज किया था, इतनी बड़ी मखलूक है कि जाबी की ये सारी दीगर मखलूक जो है आसमान जमीन चार सूरज तारे उसमें यूं है जैसे रेत का एक जर्रा होता है, इतनी बड़ी रब की ये मखलूक है। लेकिन रब उस वक्त बैठने से पाक इन चीजों की तरफ खास तवज्जो, रब के बारे में जब भी बात करनी है तंजीह के रब लैसा कमिस्ले ही शय, और सहाबा को कितने अल्लाह हो बोलते हो गई दिन का अभी आदत के का फिर माले थे रवायत है तो उस तो हक नहीं वाली समझती हदीस बयान कर रहे हैं, और जहां मेरे आका की हदीस बयान कर रहे हैं वहां मेरे आका ने हाथ से इशारा किया था, मेरे आका ने हाथ उठाया था। अब देखिए सहाबी की अकीदत भी देखिए अकीदा भी देखिए, रब तो रब है, मुस्तफा के बारे में बताना चाहते हैं मेरे आका ने कैसा हाथ उठाया बताना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं, कहते मैं क्या करूं मेरी उंगलियां छोटी मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे आका ने हाथ कैसे उठाया, हाथ उठा के इसलिए नहीं बता रहा कहीं मेरे हाथ को नबी करीम के हाथ से कुछ मिल रहा हो, जितनी अहादीस में लफ्ज आए या कुरान करीम में आए वो हमारी समझ से बड़ा है, इसलिए रब्बे करीम ने कहा कुरान करीम में कुछ है मौका मार और कुछ है वो तो सारे हाल फअम्मल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम मरद, जिनके दिलों में ज़ैद है टेढ़ापन है बीमारी है वो मुशाबे हाल के पीछे पड़ते हैं, मुशाबे हाल के पड़ते हैं। फरमाया जो वो तो सारे हाल का ये है मुल्क का, तुम्हें पढ़नी तो सारी है लेकिन वो तो सारे हाल में बास नहीं करती, मुतशाबे हाथ के कब्ज में तो मजबूरी है करने पड़ते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें मुतशाबे हाथ में से हैं, लिहाजा रब्बे करीम के बारे में गुफ्तगु करते हुए बहुत बड़ी बेहतियात से काम लेना है। आजकल के वो जो सर्दी को आदमियों कहते हैं रात में क्या क्या हाथ का जिक्र किया, हाथ है मुंह का जिक्र किया मुंह भी है, आंखों का जिक्र किया आंखें भी है लेकिन सिर नहीं है, बैठा हो तो ये सारी हदीस तो है लेकिन इनका तर्जमा नहीं हो सकता, ये मुशाबे हाल में से ये हमारी अकलों से बड़ा है, इसे रब्बे करीम के बारे और मुस्तफा करीम के बारे में जबान संभाल के बात करनी चाहिए।
तो बाहर छोटे छोटे मसाइल हैं, लेकिन हकीकत में ईमान और अकीदा इन जो बनता है इनसे बिगड़ता है। लिहाजा रब करीम के बारे में इन चीज़ों से बातों बातों में भी रब के बारे में मजाक नहीं चले, फरिश्तों के बारे में लोगों ने लतीफे बनाए हुए। फरिश्तों ने ये कहा, रब ने ये कहा, जन्नत में ये हो गया जहन्नम, याद रखिए इंसाफ के बारे में, जन्नत के बारे में मजाक, हुरों के बारे में मजाक, फरिश्तों के बारे में मजाक, अंबिया के बारे में मजाक, ये दारा साम चाल भी नहीं कह जाता है। इसलिए चूंकि वक्त ज्यादा हो गया, मैं उस गरीब को दे रहा हूँ, वो गरीब आता शायद एक एक दो चीजें चूंकि रात को हमने जा रहे हैं, ज्यादा उसमें रात अच्छा दर्ज करूंगा, लेकिन आने से पहले ये चीजें करके आना है। फरमाया वालदैन का गुस्ताख इस रात में बख्शा नहीं जाएगा। आज आना है मस्जिदों में तो वालदैन से माफी मांग के आना है। फरमाया दूसरा वो शख्स जिसके दिल में कीना है, बुगज है, हसद है, आज हमें से कौन है, वह इस रात में वो बख्शा नहीं जाएगा। फरमाया वो जो कम बोलता है या शराब पीने जाती है या बूढ़ा होकर भी जुबान करता है, वो इस रात में भी बख्शा नहीं जाएगा। नजूमी इस रात में भी बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी चीजें हैं, इन चीजों से आज तौबा करनी है, वालदैन से माजरत करके, दोस्त और बाप जो मिल सकते हैं उनसे माजरत करके आपकी रात हमने जागना है। इंशाल्लाह इन चीजों पे तफसील जो है वो आज रात इंशाल्लाह इशा के बाद यहाँ की जाएगी। दुआ करें मगरब के बाद इंशाल्लाह महफिल शुरू होगी, इशा का बयान होगा, बाद में इंशाल्लाह सारी रात में जागना चाहे वो जागे, नवाफिल पढ़े, दुरूशरी पढ़े, लेकिन जो महफिल है मगरब के बाद इशा तक रहेगी इंशाल्लाह। सारी चीजों पर तफसील के साथ रोशनी जारी जाएगी। दुआ करें आज की रात अल्लाह उम्मत मुसलमान को खुश करे, दुआ अल्लाह के तवज्जो करीम हमारे सीरे फिरे गुनाह माफ फरमाए, उम्मे रसूल सरदे करीम पाकिस्तान की सादियत की हिफाजत फरमाए, अल्लाह अलैहि या बिन अल्लाह तफसील।